आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो सुबह मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया था आपको, गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या अभिप्राय है और भारत इसमें शामिल हुआ तो उसको उससे क्या लाभ हुए। इसके लिए बेस्ट आंसर अगर हम सर्च करें तो बहुत सारे बच्चों ने, आई थिंक शायद 70-80 से ज़्यादा कमेंट होंगे वहाँ पे, मैंने पढ़े हैं कईयों के कमेंट, तो आंसर जो थे वहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छे लिखे हुए थे और कुछ में छोटी मोटी कमियाँ भी थी। तो मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, अभी फिलहाल उस जिसने भी आंसर लिखा मैंने सबका पढ़ लिया है, मैं आपको एक इस आंसर को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप थोड़ा देखिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे मतलब आप इसको फ्रेम कर सकते हैं, कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर उसे अच्छे से समझ पाए और आपको अच्छे मार्क्स दे पाए। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले हमें यही बताना होगा कि क्या अभिप्राय है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिखा है, इसे बताता हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया, दो खेमे मतलब दो गुटों में बांट दिया, ठीक है, आप दो गुट भी लिख सकते थे, एक ही मतलब है। आगे देखते हैं, ऐसे में नव स्वतंत्र देश, आपको पता है नव स्वतंत्र देश कौन से थे, चाहे वो एशिया महाद्वीप से हो, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप के हो, या फिर वो लातिनी अमेरिका महाद्वीप के भी हो सकते हैं। तो इनके सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा आ गया, क्योंकि अब भाई दोनों महाशक्तियों में से किसी एक में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं आप समझो कि उनके गुलाम ही हो रहे हैं ये। और इस परिस्थिति में कुछ देशों ने दोनों खेमों या दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि भाई ना तो हम मतलब अमेरिका वाले गुट में शामिल होने वाले हैं और ना ही हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, हम दोनों से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, ऐसी परिस्थिति में इन्होंने अलग रहने का फैसला ले लिया और इसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अगर आप पढ़ोगे तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग डेट मिलेगी, कुछ जगह पे इसको 1961 भी लिखा मिलेगा आपको कि इसकी स्थापना 1961 में हुई है, कुछ जगह पे 1955 भी लिखे मिलेगा, ठीक है, कुछ जगह पे आपको 1956 भी मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है कि मैंने यहाँ पे ये स्टार करके एक लाइन क्यों लिखी है मैंने यहाँ पे, बस इसका मतलब जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक को देखना जाके वीडियो को, वहां पे आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि मैंने स्टार मार्क करके ये क्यों लिखा है, क्या मुझे इसके लिखने की जरूरत थी भी इस आंसर में या नहीं। तो ये क्या है, इसका मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 के बॉर्डन सम्मेलन में पड़ चुकी थी, यानी कि जब ये 1955 के आसपास जो बॉर्डन सम्मेलन हुआ था तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला कदम तो यही था कि यहाँ से इसकी नींव पड़ चुकी थी। और उसके बाद अगले साल 1956 में अगर आप देखोगे तो 56 में वो जो तीन मुख्य नेताओं की बैठक हुई थी, यूगोस्लाविया आपने पढ़ा था ना, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने एक सफल मीटिंग करी थी, ये वही वाली बात है, इसके ठीक एक साल के बाद ये हुआ था। तो इस सम्मेलन में यहाँ पे उसको ऑफिशियली मतलब औपचारिक रूप से उसकी स्थापना हो चुकी थी और 1961 में उसका पहला सम्मेलन हो गया था, ठीक है, उसके बाद उसके सम्मेलन होते गए। तो ये कुछ स्टोरी थी, मैंने आपके सामने कम शब्दों में लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये मैंने स्टार मार्क क्यों लिखा है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि पिछले साल जो 2019 के बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें कई सारे स्टूडेंट थे जिनके 100 में से 100 आए थे, जैसे हिस्ट्री में आए हुए थे और शायद पॉलिटिकल में भी एक बच्चे का आया था, ठीक है, 100 में से 100 आए हुए थे, 100 हिस्ट्री में तो कईयों के आए हुए थे और 99 पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट के आए थे मेरे, मैंने टॉपर मैगजीन में भी डाल रखे हैं उनके रोल नंबर, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे ठीक एक साल पहले चाहते हैं हम, अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 में एक स्टूडेंट था, उसके 100 में से 100 आए थे पॉलिटिकल साइंस में, उसने इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है उस वीडियो में, जो टॉपर वाला जो मैंने इंटरव्यू वीडियो है, थोड़ा सा वो वीडियो स्टेबल नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे कि क्या क्या हुआ है, उसे ध्यान से देखना। आगे बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो भारत शामिल हो गया था उससे भारत को क्या फायदा हो गया। तो देखिए ये कुछ फायदे थे, इसको आप 1 2 3 4 जितने पॉइंट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला फायदा तो एक हम ये लिख सकते हैं कि भारत जो था वो अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर अपने हित में ले पाया, यानी ऐसा ही मतलब फैसले ले पाया जिससे भारत का फायदा होता हो, ना कि किसी महाशक्ति का। अब मान लो भारत किसी भी महाशक्ति में शामिल हो जाता, मान लो भारत अमेरिका में शामिल हो जाता, तो क्या भारत कभी अमेरिका के खिलाफ फैसला ले पाता, बिल्कुल नहीं ले पाता, क्यों, क्योंकि भारत उसमें शामिल है, अब एक तरह से वो अमेरिका के अकॉर्डिंग चलेगा।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि दो हम स्वतंत्र थे, तो हम अपने हित में मतलब कोई भी फैसला ले पाए। अगला क्या है कि भारत गुलाम होने से, मतलब दोबारा गुलाम होने से बच गया। आपको पता है 47 में हमें आजादी मिली है, 1947 में, और ऐसे में दोबारा वही स्थिति थी, या तो किसी एक शक्ति में जाओ या किसी दूसरे, मतलब दोनों गुटों में से किसी एक महाशक्ति में जुड़ना था। अगर ऐसे में हम किसी भी महाशक्ति में मान लो हम जुड़ जाते तो हम कहीं ना कहीं अपनी स्वतंत्रता को खो देते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत दोबारा से गुलाम होने से बच गया। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि भारत हमेशा एक लाभ की स्थिति में रहा, ऐसी स्थिति में कि अगर कोई एक महाशक्ति भारत के खिलाफ हो जाए तो भारत दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था। इससे क्या था, कोई ना तो अमेरिका और ना ही सोवियत संघ भारत को लेकर ना तो वो बिल्कुल बेफिक्र थे और ना ही वो हम पे अपनी जबरदस्ती दिखा सकते थे, मतलब अपनी धौंस जमा सकते थे, तो ये भी नहीं कर सकते थे वो। तो भारत मतलब एक तरह से फायदे की स्थिति में रहा है, दोनों ही गुटों में शामिल ना होकर उसने अच्छा फैसला लिया। अगला देखिए पॉइंट, अपनी संप्रभुता को बरकरार रख पाए, हम अपनी मतलब जो आजादी वगैरह हमें मिली थी उसको हम आगे बरकरार रख पाए। तो ये था, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया होता तो आपको कुछ इस प्रकार से अगर आप उसको फ्रेम करते तो आपके लिए सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपको कम शब्दों में आंसर लिखना होता है। मैंने आपको कम शब्दों में बताया है, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते थे, जैसे स्टूडेंट ने वहां पे लिखा है कमेंट में और बहुत अच्छे अच्छे आंसर आए हैं वहां पे, और कईयों ने काफी ज्यादा विस्तार से लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे विस्तार से ना लिखते हुए आपको शॉर्ट में समझाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो वर्ड लिमिट थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष, अगर आपके ये 6 नंबर में लॉन्ग आंसर आ रहा है, मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो ही आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखने के आपको कोई ना तो कोई आपको अलग से नंबर मिलने वाले हैं इसके, और ना ही कोई आपको इसका कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे आदर्श स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो लिखते हैं ना वो एक अच्छे स्टूडेंट ही लिखते हैं, उन्हीं को जानकारी होती है इसके बारे में। तो बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या होता है, मतलब ये इंप्रेशन बनाने का एक तरीका है। तो निष्कर्ष में जो हमने आंसर लिखा है उसकी उसको समराइज करके हम 2 से 3 लाइन में लिखना होता है हमें। आप लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि गुट निरपेक्षता दोनों महाशक्तियों के खेमेबंदी से खुद को बचाने का एक सफल तरीका था। आपको पता है भारत ने गुटनिरपेक्षता के जरिए ही अपने आप को बचा के रखा, दोनों महाशक्तियों से, उनके गुटों में शामिल होने से अपने खुद को बचाया, और साथ ही जो और भी देश थे दुनिया में जो नए स्वतंत्र देश हो रहे थे उनको भी बचाया, यानी एक अच्छा तरीका था। दूसरा क्या है कि इसका लाभ जो था वो भारत को और इस आंदोलन में शामिल हुए सभी देशों को मिला, यानी केवल भारत को इसका फायदा नहीं मिला, जो जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे सभी ने इसका फायदा उठाया होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें शामिल होकर भारत को एक सबसे बड़ा जो फायदा था वो ये था कि अपने कठिन संघर्षों से प्राप्त हुई आजादी, यानी कि जो हमें अंग्रेजों से आजादी प्राप्त हुई थी कठिन संघर्षों से, उस आजादी को कायम रख पाने में हम सफल हुए। ठीक है, जो आजादी मिली थी उसको कायम रख पाने में हम सफल हो गए, और हम अपना ध्यान जो था वो अपने आर्थिक विकास पे लगा पाए। अगर हम शामिल हो जाते महाशक्ति में तो अपना ध्यान आर्थिक विकास पे नहीं लगा पाते, उस तरीके से स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाते जिस तरीके से हम गुटनिरपेक्ष में रहकर मतलब फायदा उठा पाए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात कि जो भी क्वेश्चन आपके आता है, 100 मान लो 100 वर्ड का आपका क्वेश्चन है, या मान लो 80 वर्ड में लिखना है, आपकी वर्ड लिमिट लिखी होती है, तो कोशिश आपको करना है कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो उसकी वर्ड लिमिट के आसपास ही रहे। अगर आपने आंसर को ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश की तो आपको कोई खास ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लिखने के बाद आपको बहुत बड़े मतलब ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको पेपर ऐसा ना हो जाए कि आप मतलब ज्यादा मतलब लिखने के चक्कर में कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन को छोड़ दें। कई बार ऐसा हो जाता है ना लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं बच पाता है ज्यादा, तो इसीलिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो वर्ड टू वर्ड अगर आप मतलब वर्ड के अकॉर्डिंग ही लिखोगे तो आपको क्या होगा कि मतलब आपका पेपर टाइम पे हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को जरूर देखें, वो स्टूडेंट था जिसके 100 नंबर आए थे पॉलिटिकल साइंस में, तो उसने क्या तरीका अपनाया था, किस तरीके से लिखा था, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।